डू वालेकुम क्या हाल है मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला आपको तमाम दुखों तकलीफ़ों और परेशानियों से दूर रखे आमीन सुमामीन तो रिव्यू में तो आपने देख लिया है कि आज क्या बन रहा है मज़ेदार सा हर चीज़ का केक बन रहा है और ये बहुत फेमस है आप घर में इजीली बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ एक कप चीनी ली थी और एक कप से बिल्कुल थोड़ा सा थ, थ्री बाय फोर्थ कप नहीं लेना आपने बिल्कुल थोड़ा कम मैदे का मैंने कप ले लिया और इसको मैंने शिफ्ट कर लिया आप भी हर चीज़ को छान के इस्तेमाल कीजिएगा और मैंने पाउडर शुगर इसमें ली है यहाँ मैंने थ्री बाय फोर्थ ऑफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडे का लिया है और थ्री बाय फोर्थ टी स्पून ही मैंने बेकिंग पाउडर का इसमें ऐड किया टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ थ्री बाय फोर्थ और यहाँ हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया क्योंकि ये बहुत मीठा केक होता है तो जो नमक होता है वो मीठे को थोड़ा सा कट डाउन कर देता है अब मैंने यहाँ हाफ कप का थ्री बाय फोर्थ ऑफ कप कोको को, को पाउडर का लिया है ये कप सुपर मेंशन होते हैं आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और सारी मयरिंग खुद लिख लीजिएगा हाफ कप का मैंने थ्री बाय फोर्थ लिया था मतलब पूरा कप नहीं लिया थ्री बाय फोर्थ लिया है कोको पाउडर का ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने एक साइड पे रख दिए हैं यहाँ अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स करी थी तो उसमें मैंने ले लिया था एक अंडा और यहाँ गया है ए, तकरीबन हाफ़ कप मिल्क हाफ़ कप मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है वन बाई फोर्थ कप ऑयल का और ये ऐड करने के बाद तकरीबन वन टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर दिया है ये ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से करना है विस्क ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं सॉरी वेट इंग्रेडिएंट्स ये अच्छे से कंबाइन हो जाएं आपने अच्छे से इसको विस्क करना है और ये जब विस्क हो जाएंगे फिर आप थोड़ा थोड़ा जो ड्राई इन्ग्रीडियंट है इसमें ऐड करके तो इसको मिक्स करते जाइएगा बहुत ख्याल कीजिएगा कि जो एक मटेरियल सॉरी ये जो बन रहा है मिक्सचर ये बिल्कुल लंपी नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया था आप भी ख्याल कीजिएगा बिल्कुल इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए तो ये रेडी हो गया था इसके बाद मैंने ये मिक्स करने के बाद हाफ़ कप बॉइलिंग वाटर का ऐड किया बॉइलिंग वाटर है गरम पानी बहुत ज़्यादा जो गरम पानी बॉयल हुआ होता है तो वो मैंने चूल्हे से उतार के बस हाफ कप इसमें ऐड किया है मिक्सिंग करते वक्त ख्याल कीजिएगा ये मैंने ऐड करके जल्दी से इसको मिक्स कर दिया ये मेरा बैटर रेडी हो गया है अब मैं पैन को ग्रीस करने लगी थी यहाँ मैंने ले लिया था एक पैन और इस पे मैं पहले नीचे ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूँगी फिर बटर पेपर रखूँगी और उस पे भी ऑयल लगा दूँगी अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा या कोको पाउडर डस्ट करके एक्स्ट्रा निकाल लीजिएगा और पहले नीचे ऑयल लगा लीजिएगा फिर मैदा वगैरह डस्ट कीजिएगा एक्स्ट्रा आप निकाल लीजिएगा और फिर आप बैटर डालिएगा इस तरह भी आपका केक ईज़िली डी मोल्ड हो जाएगा मतलब मोल्ड मोल्ड में से इजीली निकल जाता है तो यहाँ मैंने बैटर इसमें डाल दिया जब मैंने बैटर बनाना शुरू किया था उस वक्त मैंने पतीला जो है वो प्री हीट पे लगा दिया हुआ था आप भी पहले लगा दीजिएगा और अब मैंने बैटर रेडी करके इसमें रख दिया ये देखें जनाब तकरीबन मेरा पैंतीस मिनट में डन हो गया था बिल्कुल डन हो गया था हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम ले या हो सकता है इससे भी कम आप पैंतीस मिनट के बाद देख लीजिएगा तो तथी क्लीन निकली थी तो ये डन था अब मैं इसकी बहुत मज़ेदार सी रोस्टिंग रेडी करने लगी हूँ इसके लिए मैंने बटर लिया है वन बाई फोर्थ कप वन बाय फोर्थ कप मैंने इसमें बटर ले लिया ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए जो भी मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और मैंने इसमें ऐड कर दिया था कोको पाउडर तकरीबन टू बाय थर्ड कप हाफ कप का हाफ कप का टू बाय थर्ड कप मैंने कोको पाउडर ऐड किया और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बटर के साथ जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो इसकी ये फॉर्म हो जाएगी इसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी छान के ये पाउडर शुगर ही है डेढ़ कप मैंने इसमें ऐड करनी है और छान के करनी है आपने भी हर चीज़ छान के इस्तेमाल करनी है क्योंकि जो लम्पस अगर इसमें मुँह में आते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं आ, कोई भी चीज़ इसमें लंपी सी नहीं होनी चाहिए वो बहुत बुरा टेस्ट देती है इसके बाद मैंने वन बाई थर्ड कप जो रूम टेम्परेचर पर मिल्क था वो ऐड किया और वन टी मैंने इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर दिया ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से कर लेना है एक दफ़ा मिक्स और उसके बाद आप इसकी मदद से अच्छे से इसको थोड़ा सा बीट कीजिएगा बिल्कुल इसकी क्रीमी सी एक हमें फॉर्म चाहिए तो अगर आपको लगे कि आपका ये बिल्कुल भी बैटर आ, मतलब अभी भी थिक ही है ये जब बटर जो है अच्छे से बीट हो जाता है तो ये देखें ये थोड़ा इस फॉर्म में आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त फ्रोस्टिंग रेडी होती है आपने एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई करना है अगर आपको ना हो रहा हो तो थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर लीजिएगा बिल्कुल टू टू टेबल स्पून और ऐड कीजिएगा इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा यहाँ केक हो गया था बिल्कुल ठंडा और ठंडा होने के बाद आपने इस पर फ्रोस्टिंग लगानी है बटर पेपर मैंने इस पर रिमूव कर दिया था और ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर से उभरा हुआ सा था केक तो बिल्कुल हमें इवन चाहिए था ये मैंने कट कर लिया है ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होता आप चाय के साथ खा लें या कोई भी डेजर्ट बनाएंगे उसमें आप लगा लीजिएगा तो अब मेरा केक बिल्कुल इवन हो गया था अब मैं इस पर फ्रोस्टिंग अप्लाई करने लगी थी तो यहाँ मैं स्पेशलर की मदद से ही इस पर लगाती जा रही हूँ और मैं सिंपल जो इसकी नाइफ होती है घर में उसी के साथ आपको इसको स्प्रेड करके दिखा रही हूँ तो ताकि आप भी अगर बनाएंगे तो इजीली बना लें तो ये अब आपकी मर्ज़ी पे आप जितनी भी इस पर अप्लाई करना चाहते हैं असल में जब आप ये अप्लाई कर लेंगे जो असल हर्शीज़ का केक है वो इसी फॉर्म में होता है इसको फ्रिज में रखें ये फ्रोस्टिंग हार्ड हो जाती है थोड़ी सी तो इसको कट करके तो आप खा लीजिएगा मैं मेरे पास थोड़ी सी फ्रोस्टिंग मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मैंने केक की थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी तो इसको अच्छे से हर जगह पे आपने अप्लाई करना है बहुत अच्छे से सिर्फ ये ख्याल कीजिएगा कि केक जब ठंडा हो आपने फ्रोस्टिंग तभी लगानी है क्योंकि आपको पता है बटर जो है वो मेल्ट होने लग जाता है तो अगर बटर मतलब अगर आपका केक गर्म है या थोड़ा सा भी बिल्कुल नीम गर्म सा भी है तो वो बटर मेल्ट होने लग जाएगा और फ्रोस्टिंग ख़राब होने लग जाएगी आपने जल्दी से ये बना के फ्रोस्टिंग लगा के इसको फ्रिज में रख देना है और जब गेस्ट आएंगे आपने उसी वक्त सर्व करना है फ्रिज में से निकाल के अब मैं प्लेट को करी थी अच्छे से साफ़ ये देखें जनाब मैंने थोड़ी सी रफ सी इसकी जो है इसको किया है आप बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा मैंने असल में इसके ऊपर अभी एक डेकोरेशन सी करनी थी तो ये मैंने नोज़ल ले लिया है मैंने एक पाइपिंग बैग लिया था मुझे बाद में याद आया था जब मैंने सारी वीडियो बना ली थी मैं आपको नोज़ल दिखा दूं कौन सी मैंने यूज़ की है तो पाइपिंग बैग मैंने कट करके नोज़ल इसके अंदर डाल दी थी और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा तो ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी फ़्रोस्टिंग केक भी मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन दो घंटे के बाद मैंने इसको निकाला था फ्रोस्टिंग भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ये देखें इजीली शेप इससे बन रही है पहले थोड़ी सी वो लग रही थी जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी है फ्रिज में रखने के बाद ये हार्ड हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सी शेप्स इससे बन जाती हैं ये देखें ये मैं बहुत ज़बरदस्त से फ्लावर्स जो हैं वो इस पर बनाती जा रही हूँ इसी तरह मैं ये सारे केक पर अप्लाई कर लूँगी अगर आप ये नहीं बनाना चाहते ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप सादा भी इसको कट करके पीसीस करके गेस्ट आएंगे तो उस तरह भी रख के सर्व कर सकते हैं ये देखें चलो मैंने ये पूरे केक पे इसी तरह एक ही जैसे फ्लावर्स जो हैं वो बना दिए थे इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी स्प्रिंकल्स ये भी ऑप्शनल है टोटली और आ, मुझे याद आया कि फ्लेम का तो मैंने बताया ही नहीं पहले आपने पंद्रह मिनट के लिए उसको पतीले को प्री हीट करना है तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए तेज़ आँच पर और जब आप केक रख देंगे तो आपने वही मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है जो चूल्हे के नीचे होगी केक बनने के लिए गेस्ट के आने से एक रात पहले बनाइएगा और इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखिएगा अभी इसकी लुक देखें और फ्रिज में रखने के बाद कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ और केक भी कट करके दिखाती हूँ तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरे अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेगेबान